हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज क्या है, मंडे और बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें घुमाने ले चलो। तो घर में ही हैं हम लोग अभी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज झंडे जी का मेला ले जाऊं, और इन दिनों लग रहा है नवरात्रों में लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो वहीं घुमाने चलते हैं, बच्चे दोनों मेरे साथ हैं, ये रहे। तो चलते हैं, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि विक्रम में नहीं बैठेंगे, बस में बैठेंगे ताकि दूर तक जा सकें। बस जाती है आई ड्यूटी तक, तो अभी हम वेट कर रहे हैं और दोनों बच्चे साथ में खड़े हैं, रोड पर ही खड़े हैं हम लोग। तो हम लोग पहुंच गए हैं झंडे जी के मेले में, और सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन वर्शन करने के बाद उसके बाद बाहर निकल गए। अंदर की मैं ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं बना पाई, तो क्योंकि भीड़ भी काफ़ी थी, अच्छी खासी भीड़ थी। और दोपहर का 3 बजे के आसपास के हम पहुँचे हैं, मतलब वहाँ पर ना 3 बजे के करीब पहुँच गए थे। और मेले में होता क्या है, बस यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, हर माल 10 हर माल 5 ऐसे चिल्लाते रहते हैं, बस यही है। बच्चों को थोड़ा होता है कि हाँ हमें झूला झूलना है, तो मेरे बच्चों को बस एक ही क्रेज़ था कि झूला झूलना है। तो हम अंदर जाने से पहले मैंने कहा पहले झूला झूल लेते हैं, अगर तुम झूलना झूलना चाहो तो, उसके बाद क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। तो फिर बच्चे कह रहे थे कि हमें ऊपर वाला झूला झूलना है, मैंने कहा भाई नहीं, उस झूले को तो मैं बिल्कुल भी नहीं झूलूँगी, ना मैं झूलने दूँगी। तो यहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी लगी हुई थी चूड़ियों की ये सब। तो ऐसा कोई टॉय नहीं है जो मेरे बच्चों के पास ना हो, बस बच्चों को था कि नहीं कुछ लेना है, कुछ स्पेशल लेना है, कुछ अलग लेना है, तो यही था। तो झूला झूलने की जो जिद चल रही थी ना इनकी, बराबर यहाँ पर भी चल रही थी। तो बस उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कौन कौन से झूले हैं, अगर जो सही जिसमें डर नहीं लगता, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, साथ में अगर इनके डैडी होते, बच्चों के डैडी होते, तो फिर भी एक वो होता कि हाँ भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, और इन झूलों को देख के मेरा तो जी सा घबराने लग जाता है एकदम से। और बड़े वाले झूले में झूलने की कह रहे थे, मैंने कहा नहीं भाई इसमें मैं नहीं झूलाऊँगी, क्योंकि अकेले मेरे बस की नहीं, मतलब अकेले मुझे डर लगता है खुद भी कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक ट्रेन वाला झूला है, ये मुझे ठीक लग रहा है, तो आप इसमें झूल लेना। तो बस यहाँ पर बस उसकी टिकट विकेट ली, और उसके बाद हम लोग झूलने बैठे। वो अभी उस टाइम दोपहर के टाइम में कोई भी नहीं था, तो हम अकेले ही दोनों ही बैठ गए, और एक सीट पर और कोई बैठे थे। यहाँ पर एकदम से अलग सी लहर सी चला देते थे, हाइट में भी एकदम से गोल गोल घूमता था ना, जब उस टाइम बहुत तेज़ डर लग रहा था। तो बस ये था, बच्चों के साथ बैठना भी ज़रूरी था कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों का, और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, और उसके बाद हम घूमेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, बच्चों को जो कुछ चाहिए वो लेंगे। और यहाँ पर ना एक तो धूप भी थी, धूप भी हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सिर में मतलब गरम गरम गर्मी भी लग रही थी, और मौसम इधर उधर जाओ तो ठंडा भी लग रहा था, मतलब ये खुले एरिया में था ना, इस वजह से यहाँ पर धूप भी थी। और मुझे तो इसमें भी घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि वो गोल गोल घुमाया ही जा रहा था, और मुझे बहुत तेज अंदर से मतलब डर सा लगता था, एकदम झटके में बहुत तेज़ी से कर रहे थे वो। तो चलो, पर अच्छा लगा, इस तरह बच्चों के लेकर जाना चाहिए, बच्चों का भी मन चेंज हो गया, क्योंकि इस बार हम कहीं जा नहीं पाए छुट्टियों में, छुट्टियां सारी निकलने वाली हैं, 2-4 दिन में छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी इनकी, फिर स्कूल में बिज़ी हो जाएंगे बच्चे, हम लोग भी खुद बिज़ी हो जाएंगे बच्चों के साथ। तो बस थोड़ा सा झूल लिए, घुमा लिया बच्चों को, और बच्चों के मन की भी हो गई कि हाँ भाई हम घूम लिए। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर उसमें घूमे थे बाहर, मतलब पूरे मेले में घूमे। और यहाँ पर मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा, बच्चे खुश हो गए, देखो पीछे बड़े खुश हो गए आ रहे हैं कि यहाँ पर झूल लिए। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खिलाई, और उसके बाद आगे निकले हम। फिर वही मेले में घूमे, और देखो अच्छी खासी भीड़ है, जैसे जैसे शाम होती जा रही है भीड़ बढ़ती जा रही है, और जो भी बच्चों को चाहिए था वो सब ले लिया। 2-3 दुकानें देखी, उसके बाद इस दुकान में रुके कि भाई देखो तुम्हें क्या चाहिए, बच्चों को मैं बोल रही थी कि यहीं से देख लो, यहाँ पर कम भीड़ है, यहाँ से देख लो जो लेना है। आंटी बना लो वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई देखो क्या लेना, नत्री और उसके बाद इन्होंने जो लेना था वो ले लिया। ऐसा कोई टॉय नहीं है जो इनके पास ना हो, मतलब उस दुकान पे इतनी बड़ी दुकान थी, उस पर वो सारे टॉय इनके पास थे, मतलब एक आध चीज़ ऐसी ना हो।
तो फिर ले लिया इन्होंने जो लेना था। उसके बाद हमने वन टिक्की पैक कराई क्योंकि हम इतने थक चुके थे ना घूम घूम के। और जैसे ही हम लोग रोड पर आए तो हमें मिल गई ये इलेक्ट्रिक बस जो कि राजपुर रोड की तरफ चलती है। तो इस इलेक्ट्रिक बस में बस एक ही फ़ायदा होता है कि आप आराम से बैठ सकते हो और आराम से रिलैक्स से जा सकते हो, मतलब भीड़ नहीं रहती है इसमें आराम से। और लोकल बस जो होती है उसमें बहुत भीड़ रहती है और एक वो तो बहुत टाइम भी लगाती है। और इसमें एकदम से मिल गई हमें बस, जैसे हम बाहर की तरफ निकले तो बड़ा सुकून सा मिला कि हाँ भाई बस मिल गई। एकदम थक गए थे बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि इतना घूम लिए थे ना उसमें मेले में बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। इलेक्ट्रिक बस मिली तो हम फटाफट से जल्दी से चढ़े। फिर बस कंडक्टर भैया ने भी हमें टाइम बता दिया कि इस टाइम पर यहाँ से निकलती है। उसके बाद हम घर पहुँच गए। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा मतलब थक ही गए। मेले में आप समझ सकते हैं कि कैसे थकते हैं। और ये बच्चे लोग बन टिक्की के, मतलब वैसे तो हम कुछ बाहर का ऐसा कुछ खाते नहीं पर ये बन टिक्की लेकर आए तो हम इसको खा रहे हैं। अरे आप खाओ। और क्या क्या लेकर आए वो भी दिखाऊंगी। अभी थक गए हैं थोड़े से, हम बैठ जाएं आराम से, तो दो चार मिनट रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है यात्री, मज़ा आया? मेले में बच्चे ऐसे फैल जाते हैं ना जैसे चीज़ों के लिए, तो फिर भी चलो ले लिया हमने। मेरी शक्ल देख रही हैं दोनों बच्चे, मुझे देख रहे हैं कि कैसे ये होता है बच्चों में, बचपन होता है इसी तरह खेलते हैं करते हैं बच्चे। तो एक तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैं ये लेकर आई थी। जो मैं लाई हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, मतलब बच्चों के लिए ही लाई हूँ। ये अच्छा लग रहा है ना, बड़ा अच्छा था। और ये आराम से ऐसे चलेगा। मतलब ये चीज़ अच्छी लगी। ओह नो, एक तो ये है अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लगा था। तो ये मैं लाई हूँ अपनी देवरानी के बेटे के लिए, दिखाऊंगी उसको भी, उसको वीडियो में लाऊंगी जब वो शो करेगा। आरफ बाथरूम, नेत्री बाथरूम में दरवाजा बंद करिए। और एक ये बच्चे, ये तो मुझे लगता है हर लड़कों के पास होता होगा, हर मतलब हमने बचपन में हमने भी देखा था भाइयों के पास हुआ करता था लेजर लाइट है। तो इस तरह से इसमें तो आपको पता ही होगा क्या होता है लेजर। एक ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग पता नहीं क्या इनका गेम था, ये इसको लेकर आते हैं। नेत्री रुको बेटा, तो अभी पता नहीं क्या था इनको, ये इस तरह से खेलते हैं ये भैया है। ये और हम औरतों को होता है ना कि किचन में होना चाहिए, मेरे को तो रहता है कि जब भी मैं जाती हूँ। एक ये लेकर आए थे भालू बॉल, इसको मारेंगे तो इसमें लाइट जलेगी। भालू बॉल हाँ। फेस बन जाता है, अच्छी है ना ये वाला टॉय, अच्छा ये अच्छा लगा था। भालू बॉल है। और मैंने ना जब गई थी तो चेन और इयररिंग्स निकाल दिए थे क्योंकि ना पहन के नहीं जाना चाहिए मेले में, खिंच जाते हैं थोड़ा सा, रिस्की रहता है, डर रहता है, फिर भी तो अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। तो और एक ये बच्चों की ये लेकर आया, पता नहीं पेन, ये कितने कलर है, अलग अलग कलर के पेन होंगे इसमें, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे ऐसे। ये ऊपर इसको दबा दो तो ये ऊपर हो जाता है। और सारे ऊपर करने के लिए ऊपर का ये दबा दो। अलग अलग कलर के पेन होंगे इसमें, कम कितने पेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कलर के पेन चलेंगे इसमें, पर्पल ब्लू ग्रीन सारे कलर्स हैं। ब्लैक होता है बच्चों का ये भालू बॉल में, बच्चे मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही करते हैं क्योंकि नॉर्मल इनके पास इतने टॉयज हैं ना कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। और ये अपने लिए ये पेंसिल कि मम्मा ये पेंसिल ले लो, नहीं दिलवाओ तो मुंह फूल जाते हैं इनके, ये रही इसके, तो ये लेकर आए बच्चे। खुश थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, अब हम कहीं गए नहीं। और ये अपने लिए दो की रिंग लेकर आए, पता नहीं क्या इनका खेल है, ले लो पॉपेट। और एक चीज़ जो मैं अपने लिए लेकर आई जो मुझे बेहद ही पसंद आया, मतलब बहुत अच्छी लगी थी, मतलब कोई कह नहीं सकता था, ये नहीं कह सकता कोई कि बहुत बेकार है, तो मुझे पसंद आई तो मैं ले आई कभी कभी ब्रेकफास्ट में। जैसे ये प्लेट, 6 प्लेट लेकर आई थी मैं,
कमेंट करके बताइएगा ये वाली प्लेट कैसी लगी। और हम औरतों का तो कुछ ऐसा होता नहीं, मेकअप वेकअप का हम ऐसा कुछ ज़्यादा लेते नहीं, तो ये प्लेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। तो कैसी लगी आप बताना ज़रूर, ये डिज़ाइन कैसी लगी ये भी बताना, इनकी डिज़ाइन जो ब्रेकफास्ट वगैरह में रखो तो अच्छी रहती हैं, नाश्ते में खाना पीना दो तो अच्छी लगती हैं। इसमें पाउडर सा लगा हुआ है इनमें कुछ ना, बट ये अच्छी हैं, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। डिज़ाइन कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो। और भी तो हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको इनको बैक कैमरे से दिखा रही थी, तो हमारी तो शुरुआत ही मॉर्निंग ही रसोई से होती है, तो हम तो अपने लिए रसोई की चीज़ें ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये प्लेट कैसी लगी, क्योंकि मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ ये, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।